नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप अपना ध्यान किसी चीज की ओर लगाते हैं तो आप उसका महत्व दर्शा रहे होते हैं। यह इसे एक मान निर्दिष्ट करने जैसा है। आपका ध्यान उस चीज के संकेत के रूप में कार्य करता है जिसे आप मूल्यवान मानते हैं। ध्यान वह द्वार है जिसके माध्यम से आप अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं और यह आपके अनुभवों, धारणाओं और अंततः आपकी वास्तविकता को आकार देता है। याद रखें मेरे दोस्त, आपका ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह एक सीमित संसाधन है। अगर समझदारी से प्रबंधन न किया जाए तो यह आसानी से खत्म हो सकता है। आज के तेज गति वाले हाइपर कनेक्टेड समाज में आपका ध्यान लगातार कई दिशाओं में खींचा जा रहा है जिससे आप बिखरा हुआ और अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने ध्यान की उस शक्ति को कैसे पुनः प्राप्त और उपयोग कर सकते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है? खैर, यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप वर्तमान में अपना ध्यान कैसे आवंटित करते हैं। क्या आप इसे सोच समझकर और जानबूझकर खर्च कर रहे हैं, या क्या आप इसे छोटी छोटी बातों पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत कम मूल्य जोड़ते हैं? इस बात से अवगत होकर कि आपका ध्यान कहां निर्देशित किया जा रहा है, आप इसे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे आवंटित किया जाए, इसके बारे में सचेत विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक क्षण भंगुर क्षण के साथ आपका ध्यान, जिसे मैं शक्तिशाली ऊर्जा कहता हूं, आपके अनुभव को आकार देता है। जहां भी ध्यान जाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और अंततः वास्तविकता बढ़ती है। आपका ध्यान एक चुंबक है जो आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को आकर्षित और बढ़ा रहा है। जब आप सचेत रूप से जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आपकी वास्तविकता उसी के अनुसार बदलने लगती है। जब आप अपना ध्यान कृतज्ञता पर समर्पित करते हैं तो आप प्रशंसा और कृतज्ञता की वास्तविक भावना प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। इसी तरह अपना ध्यान प्यार पर केंद्रित करके आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे आपके जीवन में प्यार को आकर्षित करने की अधिक संभावना होती है। जब आप खुशी बिखेरते हैं तो आप एक हर्षित हृदय विकसित करते हैं। जिन चीजों को आप महत्व देते हैं उनके प्रति सचेत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करके आपके पास अपने अनुभवों और उस वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है जिसमें आप रहते हैं। आपका ध्यान एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो आपकी धारणाओं, दृष्टिकोणों और अंततः दुनिया के साथ आपकी बातचीत को प्रभावित करता है। इस जानबूझकर फोकस के माध्यम से आप अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन विकसित कर सकते हैं जिससे आप अपने इच्छित अनुभवों को सामने ला सकते हैं। जब आपका ध्यान आपके वास्तविक जुनून और मूल्यों के अनुरूप होता है तो एक शक्तिशाली तालमेल उभरता है। आप प्रवाह नामक स्थिति में आ जाते हैं जिसमें समय आप पर अपनी पकड़ खोता हुआ प्रतीत होता है और आपके कार्य स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। यह संरेखण आपको अपनी जन्मजात क्षमता का दोहन करने और अपने जीवन और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने की अनुमति देता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बुद्धिमानी से व्यक्त किया था, महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। सचेत रूप से अपना ध्यान अपने जुनून की ओर निर्देशित करके आप महानता और पूर्णता का द्वार खोलते हैं। जब आप ऐसी गतिविधियों में लगे होते हैं जो वास्तव में आपके अनुरूप होती हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों और प्रतिभाओं को सामने लाने में सक्षम होते हैं। संरेखण की इस स्थिति में आपका कार्य केवल एक कार्य से कहीं अधिक हो जाता है। यह आपके सच्चे स्व की अभिव्यक्ति बन जाता है। आप अपनी रचनात्मकता, नवीनता और समर्पण को उजागर करते हैं जिससे उल्लेखनीय उपलब्धियां और संतुष्टि की गहरी भावना प्राप्त होती है। अपने ध्यान, जुनून और उद्देश्य के बीच इस संबंध को पोषित करके आप अपने जीवन में एक स्थायी और सार्थक प्रभाव डालने की क्षमता को अनलॉक करते हैं। जो कहानियां आप स्वयं सुनाते हैं और जिन आख्यानों पर आप विश्वास करते हैं, वे आपके ध्यान से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। वे आपके विश्वासों और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं, आपके जीवन में शक्तिशाली प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं। जब आप अपने आप को विजय, लचीलेपन और साहस की कहानियों में डुबो देते हैं,
तो आप अपने भीतर उन गुणों को जागृत करते हैं। जिन शब्दों को आप पढ़ने के लिए चुनते हैं, जिन वार्तालापों में आप शामिल होते हैं और जिस मीडिया का आप उपभोग करते हैं, वे सभी आपके द्वारा ग्रहण की जाने वाली कहानियों में योगदान करते हैं। वे ब्रशस्ट्रोक बन जाते हैं जो आपकी धारणाओं के कैनवास को चित्रित करते हैं और हर पल आपके विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। आपके सामने विकल्प होते हैं कि आप अपना ध्यान कहां केंद्रित करें। आप दुनिया को अभाव के चश्मे से देखना चुन सकते हैं, जहां सीमाएं और चुनौतियां आपके दृष्टिकोण पर हावी हैं। वैकल्पिक रूप से आपके पास अपना ध्यान संभावनाओं के दायरे की ओर स्थानांतरित करने की शक्ति है, जहां प्रचुरता और अवसर प्रचुर मात्रा में है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान वह कुंजी है जो आपकी कल्पना के द्वार खोलती है। अपना ध्यान सचेत रूप से निर्देशित करके आप सामान्य की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और रचनात्मकता और नवीनता की असाधारण यात्रा पर निकल सकते हैं। जब आप संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, तो आप अपने जीवन में विकास और प्रचुरता की मानसिकता को आमंत्रित करते हैं। आप अपने आसपास मौजूद अवसरों की विशाल श्रृंखला के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं और आप खुद को नए विचारों, दृष्टिकोणों और समाधानों के लिए खोल देते हैं। ध्यान के माध्यम से अपनी कल्पनाशील क्षमताओं का पोषण करके आप उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जो आपके लिए बाधा बन सकती हैं, और आप एक ऐसी वास्तविकता को आकार देने की अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करते हैं जो असाधारण और संतुष्टिदायक हो। ध्यान का प्रभाव आपके व्यक्तिगत अनुभवों से परे तक फैला हुआ है। इसका विस्तार आपके रिश्तों तक भी है। जब आप अपना पूरा ध्यान दूसरों को समर्पित करते हैं, तो आप वास्तविक संबंध और सहानुभूति का स्थान स्थापित करते हैं। जैसा कि दलाई लामा ने बुद्धिमानी से कहा था, जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो शायद कुछ नया सीखेंगे। गहराई से सुनने और पूरी तरह मौजूद रहने की कला को विकसित करके आप न केवल अपने रिश्तों को समृद्ध करते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के विकास और परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। वास्तव में दूसरों की बात सुनकर आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वे महसूस करते हैं कि उन्हें सुना, समझा और महत्व दिया गया है। यह जुड़ाव की गहरी भावना को बढ़ावा देता है और सीखने और आपसी समझ के अवसर खोलता है। अपनी चौकस उपस्थिति के माध्यम से आप दूसरों को स्वयं को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने के लिए समर्थन, प्रोत्साहन और स्थान प्रदान करते हैं। तो आइए हम ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि इसके भीतर न केवल आपकी अपनी वास्तविकता, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी आकार देने की क्षमता निहित है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।